एक्शन में सरकार, बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की नृशंस हत्या से देश आक्रोश की आग में उबल रहा है। आतंक के पोषक पड़ोसी पाकिस्तान में छिपे बैठे हमले के गुनहगारों के खात्मे का केंद्र सरकार पर भारी दबाव है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की बैठक में सेना को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट देने का फैसला कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने इसका संकेत दिल्ली व झांसी के दो कार्यक्रमों में दुखी मन पर मजबूत इरादे के साथ दिए गए भाषणों में साफ दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, उन्हें इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देश के लोगों का खून खौल रहा है, जवाबी कार्रवाई का समय, जगह व तरीका सेना को तय करना है। पड़ोसी समझ जाए, यह नए भारत का नया तरीका है। पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पर विचार के लिए शनिवार सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार सुबह सीसीएस की बैठक के बाद सीधे श्रीनगर पहुंचे। वहां बडगाम स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय पहुंचने के तत्काल बाद उन्होंने तिरंगे में लिपटे 40 जवानों के ताबूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक जवान की पार्थिव देह को विशेष विमान से जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने के लिए ले जाने के दौरान उसे कंधा भी दिया। उन्होंने कहा कि देश सीआरपीएफ के बहादुर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। इस मौके पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक, गृह सचिव राजीव गौबा, सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआर भटनागर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीदों पर पुष्प चढ़ाए।